प्रेम शंकर पांडे, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार वाराणसी। आज सर किस तरह का रैली निकाला जा रहा है? आज सरकार के विरोध में जनेश्वर मिश्रा का चूंकि जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में जो है छोटी लोहिया कहे जाते थे, उसके उपलक्ष्य में हर तहसील से काफ़ी संख्या में लोग साइकिल का वो कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आज साइकिल चला रहे हैं। आज सबसे सभी बड़े नेता और गाँव के किसान, हर वर्ग जो है साइकिल चला रहा है। यह साइकिल जो है सरकार के विफलता का, भ्रष्टाचार का के विरोध में हो रहा है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा। इस रैली में कौन से मुख्य लोग शामिल हो रहे हैं? इसमें जो है जिलाध्यक्ष हो रहे हैं, अविनाश सिंह कुशवाहा हो रहे हैं, और तमाम बड़े नेता हैं, रोहनिया प्रभारी हैं, और तमाम जनता है। सरकार तो हमेशा कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल गलत आंकड़ा दिखाता है, जनता को गुमराह कर रहा है। सही आंकड़े पर आप जाएंगे, आप खुद पत्रकार हैं तो आपको पता लगेगा कि स्थिति कितनी प्रदेश की खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री तो अभी हाल ही में आकर 1500 करोड़ की काशीवासियों को केवल रुपया का घोषणा हो रहा है, काम जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। रुपया से काम नहीं होगा, काम जमीन पर होगा। सारे सड़कें खराब है, गांव की सड़कें टूटी हुई है, पानी का निकासी नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, बिजली पूरा खराब चल रहा है। केवल बनारस में कुछ जगह बिजली है, और पूरे पूर्वांचल में हर जगह बिजली की स्थिति खराब है। सरकार केवल झूठ बात कर रहा है और केवल जनता को गुमराह कर रहा है। वोट का समय है अब। तमाम उनकी योजनाएं केवल चुनाव के लेकर आ रही है। चुनाव खत्म हुआ, सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। सरकार की योजनाएं जो व्यक्ति को नहीं मिल पाती उस पर अनाज के लिए जो बात है, 1975-70 से अनाज मिल रहा है, लाल कार्ड, पीला कार्ड हमेशा जो है किसानों को, हमेशा गरीब वर्ग को मिलता है, लेकिन ये सरकार केवल अनाज पर राजनीति कर रही है, अनाज का दिखावा कर रही है, जबकि 50 साल से गरीबों को अनाज मिल रहा है, लेकिन कोई सरकार इसका दिखावा नहीं किया कि मैं गरीबों को अनाज बात हूँ। गरीबों का मजाक किया जा रहा है, अरे आप अनाज दे रहे दीजिए उनको, लेकिन मजाक मत उड़ाइए, मीडिया पर प्रसार किया जा रहा है कि हमारा देश गरीब है, और कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। जनता